नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रिप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2024 को 3 जजमेंट्स हैं जो कि प्रोनाउंस की हैं और तीनों क्रिमिनल अपील से रिलेटेड हैं, जिसमें 2 रिपोर्टेबल जजमेंट है, 1 नॉट रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो आइए हम पहले एक रिपोर्टेबल जजमेंट को देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें निर्णय दिया, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 1338 ऑफ 2010 की है, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का ये केस है। इसमें जो है ट्रायल कोर्ट ने अपीलेंट को 302 के जो केस था उसमें कन्विक्शन कर दिया था और लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा थी वो अवार्ड कर दी थी। और हाई कोर्ट में जब अपील डाली गई थी तो हाई कोर्ट ने भी जो सजा थी उसको बरकरार रखा था। फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ अपील डाली थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पाया कि 2 विटनेस हैं और एक जो सरपंच की जो स्टेटमेंट थी जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के दौर पे ली गई थी, तो यहाँ पर बताया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो किया गया है वो रिलायबल नहीं है और 2 विटनेसेस के आधार पे जिसमें कन्विक्शन किया गया था वो एक चांस विटनेसेस थे और उनकी स्टेटमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है इनकन्सिस्टेंसीज हैं वो पाई गई और इसलिए सारी जो स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट को बरी कर दिया। आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं और क्या फैक्ट्स क्या थे और क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक 19 पेज की जजमेंट है और यहाँ पर बताया कि जो अपीलेंट एक सोल अपीलेंट जो कि जिनको अदर एक और अक्यूज्ड थे उनके साथ ट्राइड किया गया था और एक जो डिसीज्ड है उनका नाम बताया गया, उनको उनके मर्डर के केस में उनको कन्विक्शन किया गया था और सजा थी 302 इंडियन पीनल कोड और 34 इंडियन पीनल कोड के अंदर सजा दी गई थी। 34 इंडियन पीनल कोड जो है वो कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है और 302 जो है पनिशमेंट फॉर द मर्डर है उससे रिलेटेड है और जो सजा जो थी वो इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ दी गई थी ट्रायल कोर्ट द्वारा। हाई कोर्ट में जब अपील फाइल की, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जब अपील डाली गई तो अपील को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया और कन्विक्शन को और सेंटेंस को बरकरार रखा और अब यहाँ पर अपील फाइल की गई। अब जो प्रोसिक्यूशन का केस क्या था, देखिए प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का नाम बताया गया है, उनको उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो जब उनकी गवाही जब हुई थी तो वो प्रोसिक्यूशन विटनेस 21 के तौर पे खड़े हुए थे और अदर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ वो अपनी ड्यूटी पे थे। एक जगह है जिंद बाईपास रोड पे, वहां पे खड़े थे और कैथल की जगह है और 11/4/2004 को तब एक कंप्लेनेंट का नाम बताया गया है, उनका जो बाद में उनका एग्जामिन किया गया उनको प्रोसिक्यूशन विटनेस 20 के तौर पे उनको एग्जामिन किया गया। तो उन्होंने कंप्लेनेंट ने जाके जो ASI हैं उनके साथ मतलब मिले और अपनी जो स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड करवाई। स्टेटमेंट जो थी एग्जिबिट PY के नाम पर जो है मार्क किया गया था जो कोर्ट की जो फाइल में और स्टेटमेंट में बताया था कि वो एक रेजिडेंट है और कैथल में एक कॉलोनी है उसके रेजिडेंट है और जो डिसीज्ड हैं वो उनके रिलेटिव हैं क्योंकि वो पेरेंटल आंट के सन है। तो PW20 जो है वो एक रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं और एक जगह है वहाँ कैथल में वहाँ रहते हैं और प्रीवियस डे 10 अप्रैल 2004 को जब प्रोसिक्यूशन विटनेस 20 जब अपने ऑफिस में मतलब डिसीज्ड के साथ ऑफिस में थे तो एक प्रोसिक्यूशन विटनेस A18 के साथ जो है 18 के साथ PW18 के साथ वो थे तो डिसीज्ड को एक मोबाइल में कॉल आई 9:15 बजे रात के 9:15 बजे कॉल आई और थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद 9:30 बजे डिसीज्ड को एक और फोन कॉल आई
जब कुछ बातें हुई फोन में, मोबाइल फोन पे, डिसीजन इन्फॉर्म किया कि वो एक गोल मार्केट जा रहे हैं अपनी, और मोटरसाइकिल लेके चले लेफ्ट ऑन हिज मोटरसाइकिल। और फिर उसके बाद जो कंप्लेनेंट और जो पीडब्ल्यू 18 है, उन्होंने दुकान को मीन्स डिसीज्ड, मतलब शॉप को उन्होंने छोड़ दिया, मीन्स उसके बाद कंप्लेंट और जो पीडब्ल्यू 18 उन्होंने भी दुकान को छोड़ दिया। मॉर्निंग में डिसीज्ड की वाइफ ने पीडब्ल्यू 20 को इन्फॉर्म किया कि उस घर पे वो लौटे नहीं है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पीडब्ल्यू 20 और पीडब्ल्यू 18 जो है डिसीज्ड के घर गए और सर्च किया डिसीज्ड को, खोजा। लेकिन जब पीडब्ल्यू 20 को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक डेड बॉडी जो है वो पाई गई है, और वो और पीडब्ल्यू 18 और एक और व्यक्ति का नाम बताया गया, प्रोसिक्यूशन विटनेस 13, वो स्पॉट पे आए और पाया कि डिसीज जो है जमीन में गिरे हुए हैं और उनका जो गला है वो कपड़े से मतलब घोटा गया है, मींस नॉट कपड़े का, कपड़े के मतलब गले को चार, मतलब कपड़े से उसे बांधा गया है, और राइट आई जो है काफी बैडली इंजर्ड पाई गई है, और कुछ इंजरीज थी हेड पे भी थी डिसीज्ड की। मोटरसाइकिल जो थी डिसीज्ड की वो साइड पे पार्क की हुई है, और पीडब्ल्यू 13 और पीडब्ल्यू 18 स्पॉट पे थे। पीडब्ल्यू 20 ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, घटना की सूचना दी और रिकॉर्ड करवाया, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पीडब्ल्यू 21 आए, उन्होंने अपनी जो जो मतलब उनके जो स्टेटमेंट को एंडोर्स किया पीडब्ल्यू 21 सब पार्ट 1 के तौर पे, और FIR रजिस्टर्ड हुई पीडब्ल्यू 24, और इन्वेस्टिगेशन हुई और स्टेटमेंट, विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। और जब इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश चल रही थी तो पुलिस ने एक अनदर एक व्यक्ति का नाम बताया गया प्रोसिक्यूशन विटनेस 11, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, और एक और व्यक्ति का नाम बताया गया प्रोसिक्यूशन विटनेस 12, उनकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। ये पीडब्ल्यू 11 और पीडब्ल्यू 12 जो है इनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई थी, और इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी स्टेटमेंट का, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों व्यक्तियों की स्टेटमेंट पर रिलाई किया था। जो पीडब्ल्यू 11 जो है वो उनकी जो स्टेटमेंट ये थी कि 10/4/2004 को जब वो चंडीगढ़ से हिसार जा रहे थे, जब वो आधा किलोमीटर करनाल का बाईपास से पहले उनका जो व्हीकल है मीन जो गाड़ी है पंक्चर हो गई थी, तो जब वो अपना गाड़ी का पहिया चेंज कर रहे थे तो देखा कि चार व्यक्ति मोटरसाइकिल में पूर्वी दिशा से आ रहे हैं, और कुछ स्लो उन्होंने अपनी गाड़ी को स्लो कर दी क्योंकि करनाल बाईपास था, और उस समय देखा कि उन्होंने देखा कि अक्यूज जो है कुछ डंडे और एक लड़के के जो कपड़े हैं खून से मतलब भीगे हुए थे, और कुछ शक होने के बाद उन्होंने उसकी मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर 16 जो है नोट कर लिया, और विटनेस ने जो ये बताया कि जब उन्होंने अगले दो दिन के बाद न्यूज़पेपर में खबर पड़ी तो 12/4/2004 को जब वो चंडीगढ़ मींस बैक टू चंडीगढ़ जा रहे थे 13/4/2004 को, तो उन्होंने पुलिस व्हीकल को भी देखा कि एक करनाल बाईपास चौक पे कुछ पुलिस ऑफिशियल्स और अक्यूज्ड भी वहां पर पाए गए हैं, और उन्होंने अपना व्हीकल को रोका और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि 10/4/2004 की घटना के बारे में बताया। प्रोसिक्यूशन ने इनकी स्टेटमेंट को रिलाई किया और कि ये लास्ट सीन, क्योंकि ये यही व्यक्ति हैं जिन्होंने डिसीज्ड को लास्ट में देखा था अक्यूज्ड के साथ, और पीडब्ल्यू 12 जो थे उन्होंने बताया उनका स्टेटमेंट ये था कि वो एक सुवनसो जगह कैथल के निवासी हैं, और 10/4/2004 को जब वो इवनिंग वॉक में जा रहे थे कैथल रोड पे एक टी पॉइंट पे, एक जगह का नाम बताया गया स्ट्रीट पे, तो 9:45 PM से 10 PM और जब वो इस रोड के साइड पे उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है तीन लड़के 20-21 साल के कुछ डंडा हाथ में लिए हुए थे, और उन्होंने अपीलेंट को रेकोगनाइज कर लिया और व्हेन ही स्टार्टेड कॉफिंग, और साथ में बताया कि तीन जो लड़के हैं वो करनाल रोड की तरफ जा रहे थे, तो स्टेटमेंट भी उनकी रिकॉर्ड कर ली 12/4/2004 को। पुलिस ने एक और की व्यक्ति से उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जो पीडब्ल्यू 16 थे, जो कि जिन्होंने उनका वर्जन ये था कि डिसीज्ड के साथ उन्होंने अक्यूज्ड को देखा था एक सेम स्पॉट पे। अब ये केस प्रोसिक्यूशन का ये था कि 17/4/2004 को अपीलेंट A1 जिनका नाम यहाँ जिन्होंने केस फाइल किया है, और A2 जो है
और दो व्यक्तियों का नाम और बताया गया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास। बताया कि एक्स सरपंच ऑफ द विलेज जो है, जो जिनका नाम है PW10, उनके समक्ष जो है कि उसने एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है वो रिकॉर्ड मतलब बयान दिया है और सरेंडर किया है। फिर उन्होंने सरेंडर किया और प्रोसिक्यूशन ने ये बताया कि जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थी A1 और A2 और दो व्यक्ति जो दो नाबालिग थे उनकी कुछ रिकवरीज भी जो है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट से रिकवरीज भी हुई। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद चार्जशीट थी वो फाइल की गई और यह बताया गया कि जो प्रोसिक्यूशन था वो दो जो नाबालिग थे उनको सेपरेट कर दिया क्योंकि वो एक जुविलाइंस थे तो नाबालिग थे, और अपीलेंट और सिर्फ A2 को ही ट्रायल फेस करना पड़ा। ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रोसिक्यूशन ने 24 विटनेसेस और कुछ एग्जिबिट्स थे वो मार्क किए। डिफेंस ने 3 विटनेसेस रिकॉर्ड करवाए DW1, 2 और 3। ट्रायल कोर्ट ने नोटिस किया कि कोई आई विटनेस नहीं है केस में। प्रोसिक्यूशन जो है वो एक सर्कमस्टांसल के बेस पे बना हुआ खड़ा हुआ है। स्टेटमेंट ईच स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद और PW10 और 11 और 12 की स्टेटमेंट पर ज्यादा उन्होंने जो मतलब जो एविडेंस माना और सर्टेन रिकवरीज थी FSL रिपोर्ट की, उसके आधार पे वो जो उन्होंने अपनी नरेशन बताई है जजमेंट की यहाँ पर कोट कर दी है और फिर मींस उनको कन्विक्शन हो गई। फिर अपीलेंट जो और अक्यूज नंबर 2 हैं वो हाई कोर्ट में उन्होंने अपील फाइल की कि जो सजा जो दी गई है वो PW11 और PW12 की स्टेटमेंट पर दी गई है। हाई कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो डिफेंस था जो उनका एक्सेप्ट कर लिया कि एविडेंस था एक्स सरपंच का वो अनरिलायबल है। PW10 जिन्होंने कहा था कि हमने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की थी तो उनका जो वर्जन को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और डिफेंस की बात को मान ली थी। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि PW11 और PW12 की जो स्टेटमेंट काफी ज्यादा पर्याप्त है जिससे उनको कन्विक्शन होने के लिए काफी पर्याप्त है। अब फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने कहा कि रिटन सबमिशंस दिए और स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट विटनेसेस ऑफ द हाई कोर्ट था उसपे बताया। अब प्रोसिक्यूशन के मुताबिक कि जो एक्सेप्ट किया गया था ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में कि वो इस सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे किया गया था जो कि PW10, 11 और 12 थे। PW10 जो एक्स सरपंच थे उनकी जो टेस्टिमनी थी वो 7/4/2004 को थी जबकि वो घर में थे, और अपीलेंट दोनों अपीलेंट और दो जुविलाइन उनके पास आए और उन्होंने कन्फेशन किया कि उन्होंने डिसीज्ड का मर्डर किया है। तो साथ में बताया कि A2 ने डिस्क्लोज किया कि उन्होंने कुछ जो अक्यूज नंबर 2 हैं जो उन्होंने डिस्क्लोज किया कि उन्होंने कुछ मनी डिसीज से लिया था और प्रेशर इनके ऊपर था कि उन्होंने पैसे रिटर्न करने हैं। जब डिसीज ने पैसे मांगे 10 अप्रैल 2004 को तो वो उनको एप्रिहेंसिव हो गए कि उन्होंने कि उनकी इंसल्ट हुई है और इसलिए उन्होंने डिसीज का मर्डर करने की प्लान की अदर एक्यूज के साथ, जो कि आफिर इसके बाद बताया कि डिसीज्ड जो है उन्होंने डिसीज्ड को टी पॉइंट कैथल पे बुलाया 9:30 बजे और उन्होंने कहा कि उन्होंने पेमेंट को अरेंज कर दिया। जब डिसीज्ड आए तो अक्यूज जो थे ऑलरेडी प्रेजेंट थे उस स्पॉट पे, उन्होंने सबने असॉल्ट किया डंडे से उनकी मार के हत्या कर दी और डेड बॉडी को खेतों में एक जगह बताइए कोई रोड है वहां पे खेतों में फेंक दिया। और विटनेस ने यह भी बताया कि अदर अक्यूज ने भी सेम जो PW10 है उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे अक्यूज ने भी सेम वर्जन बताया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि वो एक एक्स सरपंच है तो उन्होंने इसलिए अक्यूज को SHO पुलिस स्टेशन कैथल के समक्ष प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पर कहा कि सबमिशन अपीरेंट की काफी कॉन्ट्राडिक्शन थी। हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया कि अगर हम PW10 की स्टेटमेंट को इग्नोर भी कर देते हैं जो कि अपीलेंट्स ने जहां एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की थी जब क्राइम हुआ था तो यहां पर एम्फेटिक एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन द्वारा लिया गया है। अब इसलिए कोर्ट कंपेल है कि अपीलेंट्स ने यह क्राइम किया है और डिसीज्ड का मर्डर किया है। इन अदर वर्ड्स कोर्ट ने बताया कि हाई कोर्ट ने PW10 की स्टेटमेंट पर रिलाई नहीं किया लेकिन अदर एविडेंस कहा कि पर्याप्त मात्रा में है, सफिशियंट एविडेंस है, इसलिए उनको कन्विक्शन कर दिया। अब यहां पर हमने कोर्ट ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इंडिपेंडेंटली एग्जामिन किया PW10 की स्टेटमेंट को, हम इस कंक्लूजन पे आए विटनेस जो है PW10 जो एक्स सरपंच है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसलिए क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट से ही पता चलता है। विटनेस ने कहा कि उन्होंने कभी डिसीज से नहीं मिले
लेकिन जब कंप्लेनर पीडब्ल्यू 20 ने कहा था कि जब 11/4/2004 को स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी तो उन्होंने बताया था कि तीन व्यक्तियों के नाम बताया कि ये तीन व्यक्ति जो हैं अक्यूज्ड के जो नाम बताए गए हैं वो जो सरपंच से मिले थे और 10 बजे, और स्टेटमेंट ने ये भी रिकॉर्ड किया था कि एफआईआर और चार्जशीट में जो ये भी पता चलता है कि जो वर्जन जो बनता है डिपोजिशन का, जो डिपोजिशन दी गई है उस पर डाउट बनता है। और पीडब्ल्यू 18 के जो डिपोजिशन ने बताया था कि डिसीज्ड जो है घर में नहीं आए, इसलिए फैमिली मेंबर्स सर्च करने लगे, और तीन जो अक्यूज्ड हैं वो एक जगह है कैथलिक में, वहां देखे गए थे। और फर्दर जो एएसआई जो बताया पीडब्ल्यू 21 सॉरी यहाँ पर ये बताया गया था ये पीडब्ल्यू जो नाम बताया गया वो प्रोसिक्यूशन विटनेस 21 है, इस गलती से यहाँ पर अक्यूज्ड बोल दिया गया, यहाँ पर एक प्रोसिक्यूशन विटनेस 21 है। और फिर ये बताया कि जो जो एएसआई ने ये बताया कि तीन व्यक्तियों के नाम बताए थे कि वो रेजिडेंट्स हैं और उन्होंने जो है वो डिसीज्ड को से मिले थे 10/4/2004 को एट कैथल पे रोड पे, और ये सब विटनेसेस के नाम थे। गलती से यहाँ पर अक्यूज्ड बोल दिया गया, इसलिए हम थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ पर नाम के, इसलिए नाम के नाम नहीं बोले जा रहे हैं इसमें, और सिर्फ विटनेसेस के जो नंबर हैं उसी से संबोधन किया जा रहा है। और यहाँ पर बताया कि जो कॉन्ट्रडिक्शन को रेफर करने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन थी वो कोर्ट ने कहा कि ये नोटवर्थी है, और जो स्टेटमेंट थी अक्यूज्ड की A2 जो है तो उन्होंने अपनी 313 में स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड करवाई थी कि उनको अरेस्ट किया गया था 11/4/2004 को, और ना कि 17/4/2004 को बल्कि 11/4/2004 को ही अरेस्ट कर लिया गया था। और स्टेटमेंट को कॉरोबरेट किया गया था पीडब्ल्यू 11 जो है विटनेस उन्होंने जो है कॉरोबरेट किया था। और फिर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो डिसीज्ड का मर्डर हो गया है 12/4/2004 को, तो फिर उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो है जो मर्डर हुआ कैथल पे तो सराउंडिंग एरिया पे जहाँ मैं स्टेफनी को चेंज कर रहा था कार को, और 13/4/2004 को मॉर्निंग में मैंने जब चंडीगढ़ कैथल के थ्रू जा रहा था तो मैंने पुलिस को देखा कैथल पे कि एक पुलिस व्हीकल जो है वो करनाल बाईपास पे खड़े हुए हैं, और पुलिस इंस्पेक्टर को देखा 4-5 पुलिस ऑफिसर्स भी थे, तो सेम अक्यूज जो हैं वो पुलिस के साथ पुलिस की हिरासत मतलब साथ खड़े थे। तो मैंने वहां रुका और रिगार्डिंग द अक्रेंस जो घटना हुई थी 10/4/2004 की वो मैंने अपनी बयान दी, और स्टेटमेंट कोर्ट ने कहा कि अगर पीडब्ल्यू 11 के स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो जो कि जिसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है प्रोसिक्यूशन जो है बिलीव करता है कि उनको अरेस्ट कर लिए जो अरेस्ट जो है वो 13/4/2004 को किया गया था, अक्यूज्ड को देखा गया था पुलिस में पुलिस के साथ ऑन दैट डे, तो ये भी ट्रू है कि कोर्ट ने कहा ये हमारे माइंड में कोई डाउट नहीं बनता है कि एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है जो की गई थी 17/4/2004 की वो भी वो फॉल्स मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी उनको अरेस्ट कर लिया गया था तो किस तरह से वो सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच कह रहे हैं कि हमारे 17/4/2004 को जो है उन्होंने कन्फेशन की थी, क्योंकि अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट के और दोनों स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था, क्योंकि इन्होंने बताया कि 13/4/2004 को उन्होंने अक्यूज को देखा पुलिस के साथ खड़े हुए हैं उस वहां पे जहां घटना हुई थी, और यहाँ पर सरपंच की स्टेटमेंट थी उन्होंने कहा था कि 17/4/2004 को कन्फेशन की है, तो यहाँ पर एविडेंस यहाँ पर बनता है पीडब्ल्यू 11 का, वो प्रोसिक्यूशन ने काफी स्ट्रांगली रिलाई किया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो है विटनेस की स्टेटमेंट पे जो है कन्विक्ट किया और सेंटेंस सजा भी सुनाई अपीलेंट को, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने यहाँ पर अप्रोप्रिएटली कंसिडर नहीं किया कि जो एविडेंस पीडब्ल्यू 10 का था, और प्रोसीड कर दिया कन्विक्शन के ऊपर और सिर्फ इस एविडेंस के बेसिस पे, और अदर एस्पेक्ट्स भी बनते हैं जिससे डाउट बनता है, लेकिन हमारा ओपिनियन यही है कि ये सारे जो फैक्टर्स सफिशिएंट है जिससे पीडब्ल्यू 10 की जो स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए। और पीडब्ल्यू 11 की जो स्टेटमेंट पर भी ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने रिलाई किया था, यहाँ ये भी एक चांस विटनेस थे, और जो चांस था एपिसोड का वो 2 बार रिपीट किया गया, यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि 2 बार रिपीट किया गया, और कि 10/4/2004 को और 10:30 बजे जब वो चंडीगढ़ से हिसार जा रहे थे तो वर्जन जो है कि वो डेढ़
किलोमीटर जो है वो करनाल बाईपास का वर्जन बताया था, जहां उनकी टायर थी जो पंचर हो गई थी। जब वो स्टेफनी लगा रहे थे तो चार पीपल्स मोटरसाइकिल में डंडा लेकर आ रहे थे, तो मिलर स्टेन था डिसीज्ड की पैंट पे और रिकॉर्ड किया रजिस्ट्रेशन नंबर मोटरसाइकिल का। तो फिर कोर्ट ने कहा कि एक अनदर चांस आया कि जब पुलिस पार्टी, पहला चांस तो ये देखा कि उन्होंने जब स्टेफनी चेंज कर रहे थे तब चार पांच लोग एक डंडा लेकर आ रहे थे। अब दूसरा कहा, कोर्ट ने कहा कि एक सेकंड चांस भी बन रहा है कि जब पुलिस पार्टी खड़ी थी स्टैंडिंग अक्यूज्ड के साथ, जब वो चंडीगढ़ से वापस जा रहे थे तो उन्होंने फिर गाड़ी को रोका और देखा कि 10/4/2004 का जो रिकॉर्ड किया गया पुलिस द्वारा। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये विटनेस तो टोटली ही कंप्लीटली अनरिलायबल बनता है, क्योंकि ये जो उनकी खुद की स्टेटमेंट में ये बताया कि जब वो चंडीगढ़ से 6 बजे निकले थे तो 10/4/2004 को, और डिस्टेंस बिटवीन चंडीगढ़ और प्लेस ऑफ अकरेंस जो है वो 120 किलोमीटर दूर है और लगभग 2 घंटे लगते हैं अगर इवन कार से भी जाया जाए। तो ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताया कि इनको 4 घंटे से ज्यादा क्यों समय लग गया, किस तरह से वो सीन ऑफ अकरेंस पे पहुंच गए। तो ये अनसर्टेनिटी जो है वो कंपाउंडेड होती है, और उन्होंने अपनी एडमिट भी किया इग्नोरेंस की अबाउट द पर्सन जिसके काम पर जिसके नाम पे कार रजिस्टर्ड थी। और जो क्वेश्चन फिर किया गया इनके ऊपर तो उन्होंने कहा कि वो चंडीगढ़ में रहते हैं और रात को 9/4/2004 को मतलब जब उनसे सवाल पूछा गया कि कहाँ उन्होंने चंडीगढ़ में रहे थे 9/4/2004 को, तो उसका आंसर ये था कि उन्होंने जिस लॉज में रहे थे उनके लॉज का जगह का नाम नहीं पता। तो यहाँ से देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो काफी जो स्टेटमेंट क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था तो यहाँ से उनकी अनरिलायबिलिटी बनती है, क्योंकि जिस लॉज में रहते थे उन लॉज का नाम नहीं पता और कौन सी दुकानें थी लॉज के आसपास वो भी नहीं उनको पता। तो यहाँ पर ये कोर्ट ने कहा कि काफी जो सरप्राइजिंग है कि विटनेस को एंग्रॉस किया गया है इसमें कि जब वो कार को चेंज कर रहे मतलब व्हील गाड़ी का पहिया चेंज कर रहे थे 10:30 तो फिर उन्होंने नोट कर लिया ब्लड स्टेन जो पैंट पे था अक्यूज्ड की, और ये भी नोट कर ली रिकॉर्ड कर लिया रजिस्ट्रेशन नंबर और मोटरसाइकिल का कैसे मतलब नंबर को रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा इंडिकेट नहीं किया कि उनके पास पेन भी था पेपर भी था जिससे उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर को रिकॉर्ड कर लिया तेजी से रिकॉर्ड कर लिया। तो ये स्टेटमेंट और भी कॉन्ट्रास्ट होती है। एक और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो पीडब्ल्यू 24 के तौर पर खड़े हुए थे, जिन्होंने कहा था कि मैंने ये देखा कि कोई भी अरेंजमेंट नहीं थी रोशनी की, कोई अरेंजमेंट नहीं थी करनाल बाईपास रोड में, क्योंकि जो प्लेस था जहां कार खराब हुई थी प्रोसिक्यूशन विटनेस 11 की जो पंचर्ड हो गई थी, तब उन्होंने अक्यूज्ड को देखा था कि जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो ये कोई लाइट अरेंजमेंट नहीं था जहां घटना हुई थी, क्योंकि वो एक एग्रीकल्चर एरिया था। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि हम ये एविडेंस जो दिया गया है पीडब्ल्यू 11 का उससे हम इम्प्रेस नहीं होते, क्योंकि काफी कोइंसिडेंसेस हुए हैं इनके वर्जन में और स्टोरी जो है काफी इम्प्रोबेबल है जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस बताया। तो ये सर्टेनली एक अनरिलायबल विटनेस है। तो इस स्टेटमेंट को भी उन्होंने पीडब्ल्यू 11 की जो स्टेटमेंट को उन्होंने कोर्ट ने फाइनली ट्रीट कर दिया कि ये अनरिलायबल विटनेस है। फिर दूसरे पीडब्ल्यू 12 के बारे में बताया कि ये भी अनदर चांस विटनेस है, जिन्होंने कहा कि लास्ट सीन थ्योरी के बेसिस पे उनको रिलाई किया गया प्रोसिक्यूशन ने। विटनेस ने कहा कि वो इवनिंग वॉक में गए थे कैथल रोड में 9:45 to 10, तो जब वो रोड साइड पे कुछ रोड साइड पे थे तो उन्होंने मोटरसाइकिल को 3 अक्यूज्ड के साथ देखा और अक्यूज जो है वो करनाल बाईपास की तरफ जा रहे थे, तो जब वो उन्होंने मूवमेंट ही स्टार्टेड कफिंग और तब उन्होंने 2 दिन के बाद देखा कि जो 12/4/2004 को जब वो सरदार पुलिस स्टेशन कैथल में जा रहे थे, तो अब उनकी स्टेटमेंट को कोर्ट ने कहा हम इनके एनालाइज करते हैं। जब उन्होंने कोर्ट ने कहा कि जब ये इवनिंग वॉक को जा रहे थे 9:45 to 10, 2 किलोमीटर जो उनके घर से दूर था, जब एरिया जहाँ की जहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और मल्टीटास्क किया उन्होंने और फिर उसके बाद मोटरसाइकिल को देखा और ब्लड स्टेन क्लोथ्स को भी देखा और रिकॉर्ड भी कर लिया उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हैपन साइमल्टेनियसली, कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया कि किस मैनर पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर को रिकॉर्ड किया। एक तरफ वो कह रहे हैं कि उन्होंने 6th class तक ही पास है, पढ़ाई जो है 6th class तक ही नहीं किया, और तो भी हमने कोर्ट ने कहा कि किस तरह से नोटिस कर लिया कि मेमोराइज कैसे कर लिया रजिस्ट्रेशन नंबर को, 6th class व्यक्ति है वो नंबर को कैसे रजिस्टर को कर सकता है, क्योंकि एक काफी लॉन्ग डिस्टेंस था। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल था जो काफी डिस्टेंस पे था और ये वर्जन जो है काफी इम्प्रोबेबल है, काफी दूरी से देखा मोटरसाइकिल को। और फिर विटनेस ने फर्दर एक और बताया कि एक ब्लड स्टेन जो ट्राउजर जो है वो
और डंडा जो थे वो अक्यूज के हाथ में थे, तो यहाँ पर सस्पिशियस हुआ और फिर उन्होंने नंबर को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन यहाँ पे ये कहा कि इन सब के बाद में उनको कंपेल नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन जाए, क्योंकि एक तरफ से उन्होंने नंबर रिकॉर्ड कर लिया, उनको शक हुआ, ब्लड स्टेन था, उसके बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं गए। और जब उन्होंने देखा कि घटना 12/4/2004 को घटना हुई है, दो दिन के बाद, तब स्ट्रेंजली उन्होंने रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन चौकी पर आ गए, और जो कि उनके घर के नजदीक ही था, तो इसलिए वो सदार पुलिस स्टेशन कैथल पे आ गए। तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि PW 12 का भी जो स्टेटमेंट है, कोई कॉन्फिडेंस जो है वो इंस्पायर नहीं करता, कोई कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। और फिर PW 16 की स्टेटमेंट को भी देखा कि कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने कोई इंफेसाइज नहीं किया। उसके बाद भी हम एविडेंस को देखते हैं इसका, इनका, तो इन्होंने ये विटनेस है जो कि हरिद्वार जा रहे थे विद अपने फूफा के साथ, तो उन्होंने देखा कि डिसीज जो है मोटरसाइकिल A2 के साथ बैठे हुए हैं टी पॉइंट पे, और दो तीन मिनट बस बात करने के बाद फिर वो आगे बढ़ गए। विटनेस ने रिपोर्ट जो है 14/4/2004 को किया, जबकि वो फिर हरिद्वार से आ रहे थे। तो सिमिलरली रिलाइड किया था प्रोसिक्यूशन ने लास्ट सीन थ्योरी को। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये विटनेस जो है वो डिसीज्ड के रिलेटिव हैं, जो फूफा जो है वो जो जिसके साथ ट्रैवल कर रहे थे उनको एग्जामिन नहीं किया गया, और ड्राइवर ऑफ द व्हीकल जिसमें ट्रैवल कर रहे थे और रजिस्ट्रेशन नंबर पे दो तीन दिन रहे, किस ड्राइवर के साथ, मतलब ड्राइवर के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो विटनेस ने इंसिडेंट जो बताया था A2 का प्लेस का PW12 का, तो यहाँ पर इस विटनेस ने भी PW12 और PW12 को बारे में, इस विटनेस के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने इस पाया कि इम्प्रोबेबल और अनरिलायबल है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इम्प्रोबेबल और कॉन्ट्रेडिक्टरी वर्जन हुए तीनों विटनेसेस के, और फिर इसके बाद भी नोटिस में लाया गया कि वेपन्स जो थे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिकवर किए थे, जो कि विटनेस द्वारा देखे गए थे कि वो सिर्फ डंडे ही हैं, सिर्फ स्टिक्स ही हैं, और लेकिन जो डिसीज्ड को जो इनसाइज वुंड हुआ है, काफी एक शार्प, मतलब यहाँ पर डंडे से ब्लंट इंजरी होती है, यहाँ पर कहा कि इनसाइज वुंड हुआ है, जो कि डॉक्टर की वर्जन के मुताबिक हुआ था PW14 जिन्होंने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया था, तो एक शार्प एज वेपन से उनकी डेथ हुई है। प्रोसिक्यूशन ने कोई शार्प एज वेपन भी रिकवर नहीं किया, और यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया कि शार्प एज वेपन कहाँ था। तो FSL रिपोर्ट ने बताया कि जो पैंट जो थी वो एक डर्टी ब्लू टेरिकॉट पैंट थी, लेकिन जो रिकवरी की गई है वो जीन्स पैंट की गई है, जो अपीलेंट द्वारा ली गई है। तो FSL रिपोर्ट ये बताती है कि ब्लड जो था स्टिक्स पे, ब्लड स्टेन पैंट्स पे था, और ब्लड ग्रुप डिसीज्ड का, तो वो पॉजिटिव है। तो इसलिए यहाँ पर राइटली कंटेंट किया गया कि ये इंडिकेशन नहीं है गिल्ट का, रिकवरी से कुछ ऐसा नहीं बना, जो इन द प्रेजेंस ऑफ जो रिकवरीज जो हुई थी वो किसी इंडिपेंडेंट विटनेस के प्रेजेंस में भी नहीं हुई थी। और PW24 ने भी एडमिट किया कि कोई भी प्राइवेट पर्सन को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया जब उन्होंने रिकवरी की गई थी। तो डिटेल सबमिशन करने के बाद कोर्ट ने यह पाया कि सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं था, एंटायर जो प्रोसिक्यूशन था वो सर्कमस्टांसेस एविडेंस के बेसिस पे था। एक नया जजमेंट आई थी प्रितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2023 की, तो उस जजमेंट के जो कंटेंट, उस जजमेंट में शरद बिरदी चरण सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट पर रिलाई किया, उसके पैराग्राफ कई जजमेंट हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, अब इस पर ज्यादा डिटेल पे नहीं जाते हैं। तो बैकग्राउंड पे देखने के बाद एक कोर्ट ने कहा कि यॉनिंग गैप था जो चार्ज अपीलेंट के अगेंस्ट में था और प्रोसिक्यूशन ने जो रिड्यूस किया था, तो इससे कोई एविडेंस जो है वो गिल्ट का, जो अपीलेंट के ऊपर कोई गिल्ट एस्टेब्लिश नहीं होता है, और फैक्ट्स जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये मांगता है कि फैक्ट्स जो है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए जो हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड को, और जो प्रेजेंट केस में जो एविडेंस दिए गए वो सिर्फ डाउट्स ही हैं, इम्प्रोबेबिलिटीज ही हैं और इनकंसिस्टेंसीज हैं। तो इस सारे मैटर को डिटेल करने के बाद डिस्क्रिपेंसीज और इम्प्रोबेबिलिटीज भी पाई गई। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाया केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और अपीलेंट जो है उसको एक्यूट किया जाता है, और क्रिमिनल अपील जो थी उसमें सेट असाइड कर दी जजमेंट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की, और एडिशनल सेशन जज कैथल की जजमेंट थी उनको भी सेट असाइड कर दिया, जिसमें कन्विक्शन किया गया था 302/334 के अंदर। अपीलेंट को एक्विट किया जाता है
और बेल बॉन्ड डिस्चार्ज किए जाते हैं और इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन कुछ भी थी वो भी डिस्पोज की जाती हैं और पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी कॉस्ट बेयर करेंगी। ये जजमेंट थी 5 जनवरी 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।